ये झारखंड की राजधानी का दृश्य है। अरगोड़ा से कटहल मोड़ जाने वाले रास्ते में दीपा टोली पुंदाक का नजारा देखने लायक है। ये सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। बारिश में तो अभी ठीक है, दुकानदारी तो बारिश में हर साल बारिश में नहीं रहता ऐसा दुकानदारी। परेशानी तो हो रहा है कि यही कस्टमर नहीं रुकता है यहाँ पर, अभी बारिश के चलते नहीं रुकने को होता है। बारिश का बाजार बहुत खराब है सर। अभी सुबह से निकले 8 बजे से अभी 20 रुपये भी नहीं चला है, इतना बुरा हालत है। धनबाद के भी कई मोहल्लों में पानी जमा होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बाबूडी, न्यू कॉलोनी, ग्रेवाल कॉलोनी समेत कई निचले इलाकों में घरों में घुटनों तक पानी घुस गया है। बोकारो में भी NH-23 के किनारे घर पर एक पेड़ गिर जाने से बिंदेश्वर विश्वकर्मा की मौत हो गई। हादसा हुआ सर की ऊपरी लकड़गोला में पेड़ गिर जाने के कारण शिव टिम्बर के मुंशी जिनका नाम है बिंदेश्वर विश्वकर्मा, आपातकाल में इनका मृत्यु हो गया। बारिश के वजह से जो बारिश हुआ ना उसे पेड़ जल जला करके नीचे गिर गया और गिरने के कारण ही पेड़ के नीचे दब गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। झारखंड के देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। वैज्ञानिकों ने मौसम खराब होने पर लोगों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। खासकर खेत में काम कर रहे किसान से अपील की गई है कि मौसम खराब रहने पर पेड़ के नीचे ना रहें और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। पिछले 24 घंटों में झारखंड में जो मॉनसून है वो सामान्य ही रहा है और राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है। अब बात करते हैं अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है कि 28, 29, 3 ये 3 दिन झारखंड में लगभग सभी इलाकों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिलेगी। 31 तारीख को थोड़ी इसमें कमी आएगी और कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। न्यूज बायोस्कोप के लिए बोकारो से चुमन कुमार, धनबाद से राजकुमार जायसवाल के साथ रांची से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।